भारतीय जनता पार्टी की ओर से शनिवार को नागपुर शहर के विविध पुलिस थानों में नवाब मलिक पर देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की शिकायत की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता एवं महाविकास अघाड़ी नेता नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी दी है। मलिक के इन मामले के चलते भारतीय जनता पार्टी राजीनामा की मांग की है, मगर महाविकास अघाड़ी ने साफ कर दिया है कि वे नवाब मलिक का मंत्री पद का राजीनामा नहीं लिया जाएगा। राजनीति की मांग को लेकर महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। भाजपा पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन कर रही है। अब भाजपा ने एक और मांग की है। भाजपा का कहना है कि नवाब मलिक पर देशद्रोह का मामला दर्ज करें। इस मांग को लेकर भाजपा नागपुर की ओर से विविध पुलिस थाने में शिकायत दी जा रही है। इसके तहत शनिवार को शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और विधायक कृष्णा खोपड़े इनके नेतृत्व में शतरंजीपुरा चौक से लकड़गंज पुलिस थाना तक मोर्चा निकालकर लकड़गंज पुलिस निरीक्षक को शिकायत दी गई। इस समय थाने के सामने भाजपा और पुलिस के बीच विवाद भी हुआ। आचार मुख्यमंत्री आज तक राज्य की जनता ने देखा नहीं। लगातार 2 साल से सभी मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर अटके हुए, कोई जेल गया, कोई बेल पर है। अभी नवाब मलिक ने तो उससे भी ज्यादा हद कर दी। जो देश का वांटेड अपराधी है, जो आतंकवादी है, उससे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी किया और उस दाऊद इब्राहिम ने इस देश की हजारों जनता की हत्या की। ऐसे सरकार, ऐसी सरकार, और अभी तक उद्धव ठाकरे ने उनका राजीनामा नहीं लेना, ये बहुत बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। देश की जनता, राज्य की जनता के साथ धोखा है। और शरद पवार सर के इतने मुरब्बी राजनीतिक व्यक्ति है जिन्होंने अनिल देशमुख के बारे में भी यही बोला था, बाद में राजीनामा लिया। उन्होंने अनिल देशमुख का हाथ पकड़ा तो वो जेल में गया, नवाब मलिक का हाथ पकड़ा तो वो जेल में गया, अभी संजय राउत का भी हाथ उन्होंने पकड़ा तो वो भी कुछ दिन के बाद जेल में जाए। और इसने नवाब मलिक ने ये देशद्रोह का गुना किया है और उनके खिलाफ देशद्रोह का अपराध दर्ज हो, और इसलिए हम आज लकड़गंज पुलिस स्टेशन के अंदर आए और उसकी तकरार हमने दाखिल की। वो मुद्दा बड़ा सा है कि जा मंत्र्याचा डायरेक्ट बॉम्बस्फोटाच्या आरोपीशी संबंध आला है, पैशाचा संबंध आला है। अनेक निर्दोष नागरिकांचा आणि अनेक पोलीस विभागातल्या जवानांचा जीव गेला आहे। जर या सरकारला थोडी जरी लाज आहे तर तात्काळ नवाबभाईंना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आणि माननीय शरदचंद्र पवारांनी एक तर त्यांचा राजीनामा घ्यावा किंवा त्यांना तात्काळ बरखास्त करावं, हीच आपली मागणी आहे। आणि जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत नागपुरातल्या चौका चौकांमध्ये, पोलीस स्टेशनमध्ये आम्ही नवाब मलिकांच्या विरोधात देशद्रोह दाखल करण्याकरता आंदोलन करणार आहोत। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।